अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मेरे तरीके से, ठीक है, शाही भुना, मटन भुना। ये हम शहरी में खाने वाले हैं, ये मैं शहरी के लिए बनाने वाली हूँ, ठीक है। आप ये एनी टाइम कभी भी बना सकते हैं। उसको बनाने के लिए बहुत आसान सामग्री है, कुछ और चाहिए भी नहीं, कुछ बाहर का नहीं है, जो घर में है आपके वही यूज़ होगा, ठीक है। और शाही इसलिए होगा क्योंकि वो मैं आपको बाद में लास्ट में एंडिंग में उसकी एक टच दे के बताने वाली हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ ये शाही क्यों है, ठीक है। उसमें मसाले कौन से पड़ने वाले हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, और मैंने क्या क्या चीज़ें ली हूँ, क्या क्या सामान ली हूँ वो भी आप देख लीजिए। ये है मटन आधा किलो, ठीक है। और इसमें जो ड्राई मसाले पड़ने वाले हैं ये आपको ऑब्वियसली पता ही होगा, सूखा धनिया, ठीक है, धनिया पिसी हुई 2 चम्मच, आधी चम्मच हल्दी, नमक टेस्ट के हिसाब से, ठीक है। और ये लाल मिर्ची पाउडर है 1 चम्मच, ये टेस्ट के हिसाब से लीजिए, आप लोग जितना तीखा खाते उसके हिसाब से। और ये अदरक लहसुन और मिर्ची का पेस्ट है, ये मैंने 1 कटोरी ली, ठीक है। आपको जितना चाहिए आप ले सकते हैं, अगर क्वांटिटी अगर आपके मटन की ज़्यादा है तो आप उसके हिसाब से ये 2 ऐसा कर सकते हो, ठीक है, ज़्यादा ले सकते हो। और ये मैंने 3 टमाटर बारीक बारीक गोल आकार में काटी हूँ, ठीक है। और ये 3 प्याज है, 3 प्याज को हमने कद्दूकस किए हुए हैं। और इसमें अभी हमें जो हमें गरम मसाले पड़ने वाले हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ये है 3 तेज़पत्ता 3 से 4, ठीक है। ये दालचीनी 2 से 3, और ये है इलायची, काली इलायची, ठीक है। और ये 2 हरी इलायची, और ये काली मिर्च, और 4 से 5 लौंग और ज़ीरा, ठीक है। ये हो गई ये हमारे मसाले। अब इसको कैसे बनाना है वो मैं आपको उसका तरीका बताती हूँ। देखिए गाइस, हमने कुकर लिया, कुकर में तेल डाल के हमने जितने भी खड़े मसाले थे वो हमने इसमें डाल दिए हैं, ठीक है। ये अच्छे से जब गर्म हो जाए, पूरे मसाले अच्छे से पक जाए, इसमें खुशबू आने लगे, तो फिर इसको थोड़ा हम धीमी आंच पर रखेंगे, ठीक है, धीमी आंच पर रख के। और अब हम ये जो हमने प्याज बारीक किए हुए थे अब इसको हम इसमें डाल देते हैं, ठीक है। अब इसे हम अच्छे से भूंजेंगे जब तक ये हमारा अनियन, जो हमारा जो प्याज है ये ब्राउन ना हो जाए, ठीक है। ब्राउन होने तक इसको हम भूंजते रहेंगे, और इसको धीमी आंच से थोड़ा हटा के 5 आंच पे रख दीजिएगा, ठीक है, ताकि ये हमारा ये अनियन थोड़ा ब्राउन हो जाए, ठीक है। और एक मैं आपको एक छोटा सा टिप्स बताती हूँ, कभी भी आपको अनियन ज़्यादा जल्दी हो, जैसा आपके ब्राउन करना है जल्दी, तो उसमें थोड़ा सा एक चुटकी नमक डाल दीजिए। नमक डालने से क्या होगा, आपके खाने में टेस्ट भी आएगा, प्लस जो खुशबू आती है खानों में इसी की वजह से आती है। कभी भी प्याज पकता रहे तो उसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, तो उससे आपके प्याज ज़्यादा पकेंगे भी नहीं और काले भी नहीं होंगे, और प्लस अच्छे पूरे जैसे आपको चाहिए ब्राउन वैसे ही ये ब्राउन बनेंगे, ठीक है। ये हो गया, अब हम इसको थोड़ा होने देंगे। होने के बाद जब ब्राउन हो जाएगा तो फिर हम उसमें मटन डाल के फिर आपको सारे मसाले ऐड करके इसके अंदर फिर आप इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, वो मैं आपको अभी आगे बताती हूँ। देखिए गाइस, इस तरह से हमें प्याज पूरा लाइट ब्राउन कर लेना है, ठीक है, पूरा पूरी तरीके से आपको नहीं करना है, ठीक है, नहीं तो पूरा डार्क से ब्राउन कर देंगे तो आपका जो भुना का जो टेस्ट है ना वो पूरा ख़राब हो जाएगा। बस हमें लाइट ब्राउन ही अनियन रखना है, ठीक है। देखिए ऐसे इसी तरह, देखिए कितना मस्त हो गया हमारा ये अनियन, पूरी तरीके से भूंज गया है, ठीक है। अब मैं आपको उसके अंदर पूरे मसाले और प्लस जो मटन है वो उसके अंदर मिक्स करके बता रही हूँ, आपको सब एक ही साथ डाल देना है, ठीक है। देखिए मटन डालना है, उसी में मटन डाल देना है, ठीक है, इसको अलग अलग कुछ भी नहीं रखना है हमें। मटन डाल के थोड़ा सा उसको एक बार चला लीजिए, ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, देखिए ये जो हमने अदरक लहसुन का पेस्ट जो पीसे थे, ठीक है, ये पूरा हमें इसी में मिक्स कर देना है, ठीक है। और ये जो हमारे जो पूरे ड्राई मसाले हैं जो मैंने आपको बताई थी, ये सब पूरा उसी में मिक्स कर देना है। ये कितने लोग होते हैं जो बाद में भी डालते हैं, डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, बट मैं आपको इजीली शॉर्ट तरीका बता रही हूँ, ताकि शहरी में किसी के पास अगर टाइम नहीं हो फटाफट उसी में मसाला मिक्स करो, फटाफट बनाकर रेडी कर लो, ठीक है। देखिए ये मैंने मिक्स कर दी हूँ, ठीक है, नमक वमक सब पूरा मैंने डाल दी हूँ, और जो इसमें गरम मसाले जो पड़ेंगे वो लास्ट में पड़ेंगे, अभी नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि गरम मसाले कभी भी आखिर में ही डालना चाहिए। लास्ट में आप गरम मसाले डालेंगे तब आपके गरम मसाले का टेस्ट भी और प्लस जो आपका जो भी आप डिश बनाए हो उसका भी टेस्ट उठ कर आता है, ठीक है। ये हमने मिक्स कर दिए हैं, मिक्स करके अब अच्छे से हम इसको भूंज लेंगे। देखिए हमने इसको
सब मिक्स कर दी है। अब ये अपने इसी में ही पूरा पकते रहेगा। पकने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि कैसा ये इसको सूखा रखना है। और हाँ, इसको ग्रेवी टाइप रखना है, सालन जैसा नहीं बनाना है। इसलिए पानी बिल्कुल भी ज़्यादा मत डालिएगा, सिर्फ एक गिलास पानी डालिए ताकि आपका जो ये मटन है ये पक जाए। ठीक है, अब हम इसको छोड़ देते हैं ऐसी भूनने के लिए। देखिए गाइस, हमारे मसाले भून के रेडी हो गए हैं। ठीक है, पूरे मसालों ने भी देखो कितने अच्छी तरीके से तेल छोड़ दिया है। यहाँ तक कि हमारे मटन का भी जो पानी था वो भी अच्छी तरह से पूरा पक गया है और उसके अंदर कुछ भी गीलापन नहीं है। और हमारा मसाला भी देखो कितना अच्छा सा ड्राई हो गया है। ठीक है, अब हमें इसके अंदर से थोड़ा सा ही पानी डालना है, पानी ज़्यादा नहीं डालना है। ठीक है, ये हमें एकदम ड्राई बनाना है, ज़्यादा ग्रेवी टाइप नहीं बनाना है, इसलिए मैंने इसे थोड़ा ही पानी डाली है, यानी एक गिलास भर का पानी डाली। ठीक है, आप भी इतना ही डालिएगा। हाँ, अगर आपको थोड़ा और ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तो आप पानी थोड़ा ज़्यादा मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया पानी डाल के, अब हम इसे ढक के सीटी लगा देंगे। ठीक है, फिर ये हमारा रेडी हो जाएगा। फिर रेडी होकर फिर जो उसके अंदर जो एक फिनिशिंग टच देना है वो किस तरह से देना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये पूरा हमारा पहला रेडी हो जाए, यानी पक जाए, फिर लास्ट में जब एक सीटी रह जाएगी तो फिर इसके अंदर मैं आपको कुछ एक अपनी तरीके से एक छोटा सा टिप्स देने वाली हूँ। ओके गाइस, देखिए गाइस, हमारा मटन भुना रेडी हो गया है। अब उसको फिनिशिंग टच देना है। देखिए, पूरा ड्राई हो गया है जिस तरह से हमें चाहिए था। देखिए, पूरा पूरा ड्राई है। ठीक है, अब हमें इसमें क्या करना है मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, मैंने मावा ली हूँ। ठीक है, और ये सूखे गरम मसाले हैं, ये पीसे हुए हैं। अब इसे हम इसमें ही मिक्स करेंगे। ठीक है, मिक्स करेंगे, इससे क्या जो रॉयल जो टच मैंने आपको बोली थी ये इसी से ही आएगा। ठीक है, अब मैं इसको मिक्स कर देती हूँ। मिक्स करके 5 से 10 मिनट के लिए सिर्फ इसको धीमी आंच पे ही पकाना है ताकि हमारे जो मावा है वो अच्छे से गल जाए। ठीक है, और जो उसका जो टेस्ट है वो इसके अंदर आ जाए। ठीक है, फिर इसको मैं फिनिशिंग टच लास्ट पता है किस चीज़ से देने वाली हूँ। ये मैंने कोयला गरम करी हूँ, कोयला गरम करके मैं इसका भाप इसके अंदर देने वाली हूँ ताकि इससे टेस्ट और भी अच्छा, जैसे हम रेस्टोरेंट में ढाबे वगैरह में भुना खाते हैं वैसे ही टेस्ट आएगा इसके अंदर। ठीक है, अब मैं इसका आपको बघार करके दिखाती हूँ, कोयले का बघार करके। ये हमने डाल दिए थे गरम मसाला। ठीक है, 5 मिनट हो गया है। अब देखिए, अब मैं आपको कोयले का बघार करके दिखाती हूँ। देखिए गाइस, अब हमारा ये रेडी हो गया है भुना। ठीक है, अब हम इसमें कोयले की बघार देते हैं कि किस तरह से बघार देना है। ठीक है, मैं इस पे जो तेज पत्ता है वही तेज पत्ते में ही कोयला रख के मैं आपको बघार दिखाती हूँ। ठीक है, देखिए ये हमारा कोयला भी अच्छा गर्म हो गया है जिस तरह से हमें चाहिए था। ठीक है, अब ये देखिए मैंने तेज पत्ते में ही उसको रख रही हूँ। ठीक है, और हल्के से तेल छिड़कना है और इसी में ही हमें कोथमीर ये हमारा रेडी हो गया है। अब इसमें मैं हरा धनिया गार्निश कर देती हूँ और आपको प्लेटिंग करके बताती हूँ कि हमारा भुना किस तरह से रेडी हुआ है। ठीक है, देखिए गाइस, हमारा भुना रेडी हो गया है जिस तरह से हमें चाहिए था, सेम उसी तरीके से बन गया है। ठीक है, एकदम ड्राई है और ज़्यादा ग्रेवी नहीं है। और ये मैंने लच्छा रोटी बनाई थी, लच्छा पराठा। ठीक है, ये भी मैंने इसके साथ रखी। अब ये हम ये सहरी में खाने वाले हैं। आप भी एक बार अपने घर में ट्राई करिए, बनाकर टेस्ट करके बताइएगा कि मुझे कि आप लोगों को मेरा बनाया हुआ ये जो रेसिपी है भुना की ये कैसी लगी है। ठीक है, और मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि रेसिपी कैसी थी। अल्लाह हाफिज़। और प्लीज़ आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी करिए और शेयर भी करिए। अल्लाह हाफिज़। चलो।